तो सर जो है कहाँ से? इसी गांव से है। हाँ, इसी गांव। अच्छा पहले सबको जानते तो नहीं आप? पहली बार देखे ना, ऐसा ना कि सदे विधे रहे जादूगर वाले मिले। तो चलिए इसको खोलते हैं। अब ये पैक एकदम जो है सील पैक है और थोड़ा इनको जो है पिलाते हैं इसको जो है। वैसे इसका 10 ml का मतलब है 10 गिलास मौसमी का जूस हमने आप पिला दिया, और 10 ml का मतलब है ये 50 रुपए का। इसका 50 रुपया का पड़ता है 10 ml, लेकिन आपको पिला देते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक गिलास पानी छोड़ने का। अरे आप दौड़े ला। चलिए ये थोड़ा सा 15 ml है के आसपास, 10 से 15 ml है ठीक है, जो इनको हम इसमें जो है पिला रहे हैं पानी में डाल करके। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इनको जो है चेक कर लेते हैं एनर्जी लेवल इनका। हाँ। ये जैसे बताया कि ये ऊर्जा लेवल को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमारे अंदर थोड़ा सा ताकत लाएगा ये प्रज्ञा सर। तो थोड़ा सा पहले इनका चेक कर लेते, पहले अभी चेक कर ले, फिर उसके बाद पिलाने के बाद चेक कर लेंगे ठीक है। आइए सर यहाँ से खड़ी ऐसे बराबर पे और जो है जुड़िए पैर ऐसे। देखिए ये पहले से कमजोर थे है ना, हमसे तो कमजोर है ही, लग ही रहे हैं आप जो है। हमारा बेटा 80 किलो के आसपास हो गया, आपका सर कितना है? 85 किलो है ठीक है, तो थोड़ा सा कमजोर, लेकिन को और कमजोर हमने कर दिया क्योंकि ये जो स्थिति खड़ी होने वाली है इसमें किसी को एक उंगली से भी गिराएंगे तो गिर जाता है, एक उंगली से भी गिर जाता है, मैंने बहुत कमजोर कर दिया इनको हमने ठीक है। अब थोड़ा सा हम करेंगे ऐसे, हाँ ऐसे करिए हाँ ठीक है। अब आपके ऊपर थोड़ा सा अपना वेट हम रखेंगे, वजन रखेंगे, आपको हमारे वजन को सहना है, झुकना नहीं है, ना गिरना है ना झुकना है, थोड़ा वजन को सही करो ठीक है, प्रयास करिएगा ठीक है, रखें वजन ठीक है। और इसको जो है फंसा छोड़िएगा नहीं, जो नहीं गिर पाए हम दांत टूट जाए ठीक है। चलिए थोड़ा सा भी हमने अभी वजन दिया, थोड़ा सा इसको जो है इनको पिलाते हैं, लेकिन इसको इनको पिलाने पर थोड़ा हम पी लेते हैं ना, नहीं कल के भाई इनको लैट्रिन जाने लगे तो बोले मिश्रा जी आए तो पता नहीं क्या पिला गए, पकड़ो मिश्रा जी को ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा हम पी ले क्योंकि हम पी रहेंगे तो नहीं असर होगा ज्यादा, सही है, कोई भी इसमें जो है नुकसान की चीज नहीं है ठीक है, पी लीजिए घोट लीजिए भैया। तो करेगा क्या ये देखिए है क्या जो है ये हिमालयन बेरी जूस है, और ये जब जो है शरीर में जाता है तो बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से बॉडी में सर्कुलेट होता है और सेल लेवल पर काम करता है। वैसे हमारे जितने भी आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे सेल लेवल पर कोशिका पर काम करते हैं, सेल हमारे शरीर की जड़ है, जैसे हम कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है वो जड़ पर काम करते हैं, तो जड़ क्या है? जड़ है हमारी कोशिका, सेल्स है तो सेल लेवल पर काम करते हैं और बहुत जल्दी जो है मेटाबॉलिज्म को क्रिएट करके और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हम पीते हैं, शरीर में जाता है और बहुत जल्दी ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, और सर्कुलेट हो जाने के बाद ये हमें ताकत देता है ग्लूकोज से भी ज्यादा। जैसे होता नहीं कि अगर थकावट आती है तो लोग जल्दी से बोले भैया ग्लूकोज पिला दो इसको जल्दी से जो है ना, तो ग्लूकोज भी जो है तेजी से, लेकिन ये ग्लूकोज से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। अगर आप इतनी दारू पिलाए होते तो दारू हम कहाँ पिलाए, दारू तो अपने आप मिल रही है, दारू मैं आप नहीं समझ पाए, दारू तो लोग वैसे पीते हैं। नहीं ऊर्जा तो मिलती है लेकिन खींच भी लेती है, आज उसी वजह से ये हमको यहाँ बताना पड़ रहा है। अगर ठीक है तो आइए, तो फिर से थोड़ा सा इनके ऊर्जा लेवल को चेक करते हैं कि हमने इनको हिमालयन बेरी पिलाई तो देखते हैं कुछ इनके अंदर जोश वोश आया कि नहीं आया, कि पहले जैसे ही अभी है जो है ना। चलिए फिर सर उसी स्थिति में खड़े होइए, फिर थोड़ा सा वेट आपके ऊपर हम रखेंगे अपना, और हमारे प्रयास करिएगा कि आगे झुकी ना हमारे वेट को सहने की कोशिश करिएगा।